लेकिन जहां तक 1990s में जब हम भी, मतलब मैं भी उसी दौरान पैदा हुई हूँ उसी एरिया में, जितनी मुझे भी याद है, मुझे एक बताइए कौन सी कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर में जिसकी लाशें नहीं बिछाई गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीबन 4000 वर्कर उसमें सिटिंग मिनिस्टर, सिटिंग एमएलएज रहा करते थे, उनके घर उजाड़े गए। 4000 लोगों को घर उजाड़ना छोटी बात नहीं है। तो दिस इज, ये फिर ऐसे इस चीज को कॉम्युनलाइज कर देना, इस चीज को दिखाना वन वर्सेस दी अदर, ये प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट हो रहा है। जो मैंने इनफैक्ट वीडियोस में देखा कि लोग सिनेमा हॉल से बाहर आ रहे हैं और सिनेमा हॉल से बाहर निकल के हेट स्पीचेस दे रहे हैं। इनफैक्ट कल न्यूज में आया था कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने अब पुलिस को भी तैनात कर दिया है कि कहीं रायट ना हो, आपस में लड़ाइयां ना हो। इससे मुझे ये भी डर लगता है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स जो बाहर रहते हैं, कश्मीरी लोग जो बाहर अपनी जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, इससे साफ साफ कहीं ना कहीं उनको भी थ्रेट लग रहा होगा। बहुत सारे लोग हमको फोन करते हैं कि थ्रेट इस चीज से बढ़ रहा है। तो ऑल ऑफ दिस पोलराइजिंग एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये पोलराइजिंग एनवायरनमेंट जो है ये बहुत क्लेवरली क्राफ्ट किया जाता है, इस वजह से क्राफ्ट किया जाता है ताकि इसका असर जो है जम्मू और कश्मीर के इलेक्शंस पे भी पड़े। क्योंकि यहां पे इन्होंने देखा है कि जो हिंदू पॉपुलेशन जम्मू की है कुछ एरियाज की, वो अब इनके साथ नहीं है। उन्होंने बीजेपी की असलियत देख ली है। बीजेपी को डर लगता है कि अगर वो लोग जो हैं इन लोगों को वोट ना दें तो बीजेपी का जो प्लान है, उनका प्लान है कि वो यहां पे गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। और जो भी अगस्त 5, 2019 को जब एब्रोगेशन हुआ, जो भी चेंजेस उस टाइम पे आई, वो सरकार बना के यहां के लोगों के नुमाइंदे बन के उस चीज को एक्सेप्ट करने का एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। जब वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा कि यहां के नुमाइंदे जो है वो तो चाहते ही नहीं है आर्टिकल 370 वापस आए, यहां के नुमाइंदे तो खुश हैं, यहां के लोगों के नुमाइंदे तो खुश हैं आर्टिकल 370 टूटने से, जब वही रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हमारा केस उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट डस्टबिन में ऐसे फेंक देगी। उस टाइम हमारे केस का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए बीजेपी की गवर्नमेंट जो है इतनी मुश्किल से चाहती है कि जम्मू और कश्मीर में पावर में आना। लेकिन यहां के लोग जो हैं, जो आर्टिकल 370 के साथ हैं, जिनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ताकत है ये वापस लाने की, और उनके नुमाइंदे जब एक रेजोल्यूशन पास करेंगे असेंबली में, यहां की सरकार में, जहां साफ साफ कहा जाएगा कि यहां के लोगों को आर्टिकल 370 चाहिए, वो रेजोल्यूशन जब हमारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हमारा केस और मजबूत हो जाएगा और इन इन चीजों पे जो हो रहा है उन पे रोक लगेगी। ये सभी चीजें जो है आपको, जो डिलिमिटेशन हुआ, जो डिलिमिटेशन में इन्होंने सीटों की अदला बदली की, ये सभी जो है उसी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन द रेस्पॉन्स दैट द कश्मीरी पीपल जस कशीर कौम जस कशीर अवाम च अनुश्वन यमन जवाब दून, यह के जवाब दे दो चीजों से, अख पनुन वोट कर दे नेरुन छो एमिस वोट करित है कि जवाब दिस, दोयम पनुन वोट न छकराउन के। अगर इस उत्तर प्रदेश में रिसेंटली इलेक्शन वुच तक क्या गो उत्तर प्रदेश में, ताकि अस बीजेपी एस करान 40% लुक सपोर्ट, एंटी बीजेपी 60% लुक। तो तेल क्या जून न एंटी बीजेपी बदल पार्टी, तेल क्या जून न समाजवादी पार्टी, ये एंटी बीजेपी 60%। इसीलिए जून न क्या उस एंटी बीजेपी वोट ओस यम तिम 60% अस तिमो दुत वह अकिस वोट वह परसेंट अब अकिस वोट वह परसेंट अब अकिस वोट बीजेपी युग वोट युस ओस यू गो कंसोलिडेट हुन वोट आव एंटी बीजेपी वोट आव छकरावन। इसीलिए छु वनकेस ऐसे याद दिलाऊं कि सन यम बुजुर्ग अस तिम अस कुनि रीजन सित सारी शेख सबस सित सतत वरियन मज दुत अस बीजेपी अस अख सीट या जनसंघस कडन क्या इसे यकजा इसे शेख सब सत तमो दमी सान बुजुर्ग पन वोट छकरावन क्या आज तो ती कर पन वोट दुन छकरावन क्या हथ पार्टी यथ पार्टी इंडिपेंडेंट कैंडिडेटन यमन हमन यम पई कम खड़ा करम कमन फंडिंग कम सिंद प्रॉक्सी पार्टी पन वोट कंसोलिडेट कर ती हव इस बीजेपी हारन तो यह वस हर जिम्मेदारी बनान वनकस इस घरन मज बिह कंग त्रावन कंकस अस बिस्तर मज बिह कंदर त्रावन कता दह बजे वनकस वन अम कर यह सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जिम्मेदारी बनान क्या इस पे जिम्मेदारी तथा कह शक।
वफादारी ये लो तो ही ऐस वोट करने नीरव इस कित कन ज्यानव ये लो तो ही ऐस सपोर्ट करव ये इस अकिस बेइस डुख रोजव ये कल शेख सब तो ये तिच आवामस अकिस बेइस डुख सतन वरियन तिथाई कंचवाइस बे विंकेस हल तुलित नेरू।